अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सर का शुक्र, आप लोग सुनाए। हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम सर। अफाक अहमद। यस सर। अफाक कैसर एमन जलाल, प्रेजेंट सर। अलीशा नाज, जी सर प्रेजेंट। आमना नजीर, आमना नजीर अक्सा, अक्सा अजगा, अजगा इमान, नईम प्रेजेंट। फिजा नईम, यस सर। वफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद आप ब्लैक लिस्ट में हैं, ये अपना इशू जो है वो रिजॉल्व करवा लें। ओके सर। ईशा शाहिद, प्रेजेंट सर। फिजा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, काशिफ खान। खदीजा परवीन, प्रेजेंट सर। लाइबा हकीम, यस सर। मलाइका खान, प्रेजेंट सर। मरियम लियाकत, मरियम लियाकत, मरियम अकमल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब, निमरा कजाफी, नौमान मुनव्वर, नौमान मुनव्वर, नूर, नूर सरोश, राबिहा बख्तियार, प्रेजेंट सर। राबिया महम, यस सर। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा, सुबहान बाबर, प्रेजेंट सर। सैयद फातिमा जबीन, सैयद फातिमा जबीन, यूसुफ अली, प्रेजेंट सर। बहुत स्टूडेंट नाम सुन रहे हैं जो इस क्लास में अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सबसे पहला है अक्सा, सर प्रेजेंट।
आमना नजीर, अजगा, काशिफ खान, मरियम लियाकत, मोहम्मद औरंगजेब, नमान मुनवर, प्रेजेंट सर, नूर सरोश, सिदरतुल मुंतहा, सैयद फातिमा जबीन। अहमद जलाल, जी अहमद, लास्ट में हमने क्या स्टडी किया था और आपने क्या उसमें से सीखा था? अहमद जलाल, अहमद जलाल, आज की एक्टिविटी में आपके जीरो मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अक्सा। यस सर। जी लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था और आपने उसमें से क्या सीखा है? सर हमने चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था। बस यस सर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी तो मेरे आवाज नहीं आई थी सही। तो अब साहब ने क्या यानी के बाद में सीखा है? कुछ नहीं सीखा सर। लास्ट टाइम मेरी मीटिंग में नेटवर्क की प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा, और एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने। चलें इसके बाद नेक्स्ट जो है सुभान बाबर। यस सर। जी सुभान बाबर, आज लास्ट वीक लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर यही है, एवोगैड्रोस लॉ और चार्ल्स लॉ, नंबर ऑफ मोल्स का। जी जी सर, एवोगैड्रोस लॉ तो होता है नंबर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स, और चार्ल्स लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम उसको रिलेट करते हैं। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सुभान, आवाज आ रही है। यस सर। सर चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था ना, कि इसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, अगर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट रखा जाता है। और ये स्पेशल केस है जनरल गैस लॉ का, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ड्राइव किया जाता है। इसके साथ दूसरा कौन सा लॉ पढ़ा था? इसके बाद हमने सर एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था, उसके मुताबिक सर एवोगैड्रोस लॉ के बारे में यही था, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होंगे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ड्राइव किया जाता है। इंटर की जो डेफिनेशन है मुझे पता चल गया है, आपको याद है? जी सर। इंटर की क्लास की जो डेफिनेशन है वो आपको याद है, मुझे समझ में आ गई। जी जी। सर आपने दोनों लास्ट पढ़ाए थे ना, तो फिर बुक से भी देख लिया, वहाँ भी सिंपली लिखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है, आपका आंसर ठीक है। ओके सर। जी लास्ट में हमने दो लास्ट को स्टडी किया था, आज आप लोगों ने जो स्टडी करना है वो ये है कि जिस वक्त आप लोगों ने ये तीन लास्ट को बॉयल्स ला, चार्ल्स ला और एवोगैड्रोस ला,
जो आप लोगों ने स्टडी किए हैं, अगर हम इनको कंबाइन स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रिजल्ट हासिल होता है? ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मेरे ख्याल में ये पढ़ लिया था। गफरा, ये हमने स्टडी किया था या नहीं? सर ये आइडियल गैस ना हमने नहीं पढ़ा अभी। नो सर, ये नहीं पढ़ा था हमने। नहीं पढ़ा क्योंकि हमने नोट्स बनाए हुए हैं, साथ साथ लिखा हुआ है। आज ये शुरू करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि 1/P के। ये आप लोगों ने बॉयल्स लॉ में स्टडी किया। इसके बाद आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा था जिसके मुताबिक वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसके बाद आप लोगों ने थर्ड लॉ एवोगैड्रोज लॉ स्टडी किया जिसके मुताबिक वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन लिखते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही मैथमेटिकल फॉर्म हासिल होती है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और आप लोगों को पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ पर हम कांस्टेंट को आर से इंडिकेट करते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही इक्वेशन जो है वो हासिल होती है, वी इज इक्वल टू आर, ये कांस्टेंट है, बाकी एन टी डिवाइडेड बाय पी। और अगर इस पी को इधर लेकर जाते हैं तो उस कंडीशन में यही इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होती है, पी बी इज इक्वल टू एन और अब एन को पहले मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये अल्फाबेट ऑर्डर में मोस्टली लिखते हैं हम इक्वेशन को, इसलिए एन को मैंने पहले लिखवा है। इसको मल्टीप्लाई करने पर कोई अफेक्ट नहीं होता है, एन को पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं इससे कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में यही इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर हम जिस तरह हमने बॉयज ला चार्ल्स ला एवोगैड्रोज ला में स्टडी किया था कि कांस्टेंट को एक साइड पर रखें और बाकी वेरिएबल थिंग्स को एक साइड पर रखते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हासिल होती है, जिसमें पी वी डिवाइडेड बाय एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के है, और इस कॉन्स्टेंट को हम गैस कॉन्स्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप लोग प्रेशर का कौन सा यूनिट यूज करते हो, वॉल्यूम का कौन सा यूनिट यूज करते हो, टेम्परेचर का कौन सा यूनिट यूज करते हो, और मोल को तो आप लोगों ने मोल में ही यूज करना है या ग्राम में भी अमाउंट को यूज कर सकते हो। इसका मतलब है जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स ही आती है, सेम ही आती है, यहाँ पर भी आप लोगों के पास आर की वैल्यू फिक्स होगी। और अगर आप लोग प्रेशर को एटीएम में यूज करते हो, वॉल्यूम को लीटर में यूज करते हो, नंबर ऑफ मोल्स को एन में यूज करते हो और टेम्परेचर को केल्विन में यूज करते हो, तो आपके पास आर की वैल्यू हासिल होती है 0.08206 एटीएम, सॉरी एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ओके सर।
जब इसका मतलब है कि अगर आप लोग प्रेशर को एटीएम में यूज़ करते हो, वॉल्यूम को लीटर में यूज़ करते हो, एन को मोल में यूज़ करते हो और टेम्परेचर को केल्विन में यूज़ करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आर की वैल्यू 0.08206 हासिल होती है। और जब भी आप लोगों ने आर की ये वैल्यू पुट करनी है, तो आप लोगों ने सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में ये चेक करना है कि उसमें प्रेशर की वैल्यू एटीएम में होनी चाहिए। अगर प्रेशर की यूनिट वैल्यू जो है किसी और यूनिट में है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले इसकी वैल्यू को एटीएम में कन्वर्ट करना है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू किसी और यूनिट में गिवन है, तो उसको भी आप लोगों ने लीटर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह टेम्परेचर का यूनिट अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो आप लोगों को उसको केल्विन में कन्वर्ट करके फिर न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू को यूज करना है। तो आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनती है वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हासिल होती है। अगर आप लोगों के पास इनमें से आर की वैल्यू तो फिक्स होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाकी वेरिएबल थिंग्स जो हैं जो चेंज हो सकती हैं, वो प्रेशर की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है और टेम्परेचर की वैल्यू है। अगर आप लोगों के पास इन फोर वेरिएबल थिंग्स से तीन गिवन हों, तो फोर्थ वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ इस इक्वेशन से हमें ये चीज़ भी जाहिर होती है कि इस इक्वेशन में प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। इसके साथ ये इक्वेशन हमें ये भी शो करती है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब है प्रेशर भी डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर भी डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। ये हमें ये जो गिवन इक्वेशन है ये इंडिकेट कर रही है ये सारी इंफॉर्मेशन। इसके साथ प्रेशर और वॉल्यूम का जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन। तो इस तरह हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि किस वैल्यू किस पैरामीटर का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और किसके साथ इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है और इसके साथ आप लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल गिवन है, जिसके मुताबिक आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है, या आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू और इसके साथ आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, और इसके साथ आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब है कि आपके पास ये तीन वैल्यू गिवन है और फोर्थ वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और फोर्थ वैल्यू जो आप लोगों के पास बचती है वो नंबर ऑफ मोल्स है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस इक्वेशन के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहला काम जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ये था कि आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि यूनिट जो है, जिस तरह प्रेशर का यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, टेम्परेचर का यूनिट है, इनका यूनिट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। अगर हम प्रेशर का यूनिट देखते हैं, तो हमें प्रेशर का यूनिट जो है वो एटीएम में चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है प्रेशर की पीएसआई में गिवन। इसका मतलब है
कि हमें PSI यूनिट को कन्वर्ट करना है ATM में। इसके साथ वॉल्यूम लीटर में ही गिवन है और लीटर में ही हमें चाहिए, इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हमने इट इज फार्मूले में पुट करना है। इसके बाद जिस वक्त हम टेम्परेचर को देखते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन, लेकिन हमने जो मैथमेटिकल इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है वो केल्विन में वैल्यू को यूज करना है। इसका मतलब है कि हमें इस वैल्यू को भी डिग्री सेल्सियस वैल्यू को भी कन्वर्ट करना है एटीएम में, सॉरी केल्विन में। जिस वक्त हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद इन वैल्यूज को जो आप लोगों के पास इक्वेशन थी जिसके मुताबिक पी बी इज इक्वल टू एन आर टी था, इसमें आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है और उसके जरिए आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हासिल होगी। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो यही मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास हासिल होती है, n इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय आर टी। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है प्रेशर की गिवन है, लेकिन हमें पहले इसको PSI को कन्वर्ट करना है ATM, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। इसके साथ वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो लीटर में ही चाहिए और लीटर में ही गिवन है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमने डायरेक्ट इसमें पुट कर देनी है। आर की वैल्यू कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 0.08206 वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। इसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन है लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, इसको हमने पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। अब हमारा सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमने इन यूनिट को कन्वर्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जिस वक्त हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 1 ATM जो है वो 14.7 PSI के इक्वल होता है, और अगर हम इस वैल्यू को 24.3 PSI को कन्वर्ट करते हैं ATM में तो उस कंडीशन में हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना है 14.7 PSI से, तो हमारे पास यही प्रेशर जो है वो ATM में कन्वर्ट हो जाएगा और ATM में हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 1.6531 ATM हासिल होती है। इसी तरह जिस वक्त हमने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में हमने 25 में ऐड करना है 273 वैल्यू को। जिस वक्त हम 25 में ऐड करेंगे 273 वैल्यू तो उस कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा और केल्विन में इसकी वैल्यू जो है वो 298 केल्विन हासिल होती है। अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है कि जो यूनिट हमें चाहिए थे उसमें हमारे पास वैल्यू हासिल हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट इन वैल्यू को जो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है जिसके मुताबिक एन इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय आर टी है, इस इक्वेशन में जस्ट वैल्यू को पुट करना है और पुट करने के बाद आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेना, और जिस वक्त आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास आंसर हासिल होता है 0.219 मोल। इसका मतलब है कि जो मोल हमें चाहिए थे उसकी वैल्यू जो है वो 0.219 मोल वैल्यू है, ठीक है।
इसके साथ एक और नमेरिकल है जो हर स्टूडेंट ने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर मुझसे शेयर करना है चैट बॉक्स के जरिए। और वो नमेरिकल जो है वो ये है। इस नमेरिकल में आप लोगों के पास तीन वॉल्यूम गिवन, एक का नाम दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम, एक का नाम दिया हुआ है ए कंडीशन, और थर्ड जो है वो बी कंडीशन। और आप लोगों से ये पूछा गया है कि आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कि इसके वॉल्यूम से, इनिशियल वॉल्यूम से ए का वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा या इक्वल होगा। इसी तरह बी का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। और यहाँ पर पैरामीटर जो है वो चेंज किए हुए हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू चेंज की है, बाकी पैरामीटर जो है नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर की वैल्यू सेम है। बी में आप लोगों के पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी चेंज की है और इसके साथ प्रेशर की वैल्यू भी चेंज की है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू इनिशियल वैल्यू के इक्वल है। और उसके बाद आप लोगों ने वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट यानी कि वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, और आप लोगों ने बताना है इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ए वॉल्यूम की वैल्यू क्या है और बी के वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। यहाँ पर आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू फिक्स है जिसकी वैल्यू 0.08206 है। अब आप लोगों ने वही जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है और इसके लिए जो वॉल्यूम हासिल होता है उसकी वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझे मैसेज के जरिए चैट बॉक्स में शेयर करना है। एक वॉल्यूम जो भी आपके पास हासिल होगा उसका आपने वॉल्यूम मुझसे चैट बॉक्स में शेयर करना है। इसी तरह बी का जो भी वॉल्यूम हासिल होगा वो आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझसे चैट बॉक्स में शेयर करना है, और हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इसको सॉल्व करके मुझसे शेयर करना है। जी ये न्यूमेरिकल अभी किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। आप लोगों ने तीनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करके तीनों की वैल्यू मैसेज के जरिए एक ही बॉक्स में यानी के शो करनी है ताकि आप लोगों को कंपेयर करना आसान हो। अलीशा का आंसर बिल्कुल ठीक है इनिशियल वॉल्यूम का, राबिया का भी आंसर बिल्कुल ठीक है इनिशियल वॉल्यूम का, लाइबा का आंसर भी बिल्कुल ठीक है इनिशियल वॉल्यूम का। इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू, इज़ा का भी आंसर इज़ा, आपने बी का आंसर दोबारा से चेक करना है। बी जो है उसी कंडीशन का वॉल्यूम आपने दोबारा से चेक करना है, ये आपका आंसर ठीक नहीं है, बाकी दो ऊपर वाले बिल्कुल ठीक है। और इमान नईम आपका भी थर्ड आंसर जो है वो ठीक नहीं है, इसको दोबारा से चेक करो। आपके पास वैल्यू जो हासिल होती है
इनिशियल वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू है 2.87। इसके बाद आप लोगों के पास ए के वॉल्यूम जो हासिल होता है वो 4.34। और थर्ड वॉल्यूम जो है ईमान नईम, लास्ट में जो आपने मैसेज किया है वो थर्ड वॉल्यूम का है? यस सर, 2.8। गफरा गफरा आपने दो कैलकुलेट किए हैं? जी सर, थर्ड वाला कर रही हूँ। ठीक है, करें जल्दी से। अलिशबा ए और बी, अलिशबा आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। राबिया आप बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। लाइबा का भी बिल्कुल ठीक है बी का आंसर। खदीजा का इनिशियल और ए का आंसर बिल्कुल ठीक है। इजा का बी आंसर जो है वो ऑलमोस्ट ठीक है। कैलकुलेशन में से दोबारा से चेक कर लो कहीं से क्या मिस्टेक है। इसके बाद आप लोगों के पास थ्री या बी जो है उसका वॉल्यूम हासिल होता है 2.87 लीटर। अब क्वेश्चन में ये था कि आप लोगों ने ये बताना था कि आप लोगों का जो आंसर है यानी कि ये इनिशियल वॉल्यूम जो है इससे ए का वॉल्यूम कम है या ज्यादा है, बी का वॉल्यूम कम है या ज्यादा है। अब ये इंडिकेशन आप लोगों को डायरेक्ट इस जो आप लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है उससे इंडिकेशन हो जाती है कि आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो उसकी वैल्यू 2.87 लीटर है। और जिस वक्त आप लोग ए की वैल्यू को कैलकुलेट किया है तो आप लोगों के पास वॉल्यूम हासिल हुआ है 4.3 लीटर। अब इसका मतलब है कि इसको जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं इनिशियल वॉल्यूम से तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है। अब इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका रीजन जो है यानी कि वॉल्यूम कवर्ड कलर्ड में जो रीजन आएगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम से। यानी कि ये ऑलमोस्ट जितना भी रीजन बनता है वो आप लोगों के पास ए का रीजन आता है, ए का वॉल्यूम हासिल होता है। लेकिन जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं बी के वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से तो हमारे पास दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम हासिल होता है। जिसका मतलब है कि आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम और बी का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है लेकिन ए का वॉल्यूम जो है वो इनिशियल से ज्यादा है। यानी कि ए के वॉल्यूम में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और बी का वॉल्यूम बिल्कुल सेम, जिस तरह इनिशियल वॉल्यूम था बिल्कुल सेम उसके इक्वल ही हासिल हुआ है। और यही आप लोगों का रिजल्ट है कि आप लोगों के पास इनिशियल ये वॉल्यूम है और आप लोगों के पास जिस वक्त ए का वॉल्यूम चेक किया है तो ए का वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा हो चुका है लेकिन जिस वक्त बी का वॉल्यूम चेक किया है तो बी का वॉल्यूम इनिशियल के इक्वल ही हासिल हुआ। सर हम लोग इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं क्योंकि जो जो ए वाला है वो उसमें सिर्फ जो नंबर ऑफ चलो टेंपरेचर को तो आप ए का तो चलो बता सकते हो लेकिन इससे कंफर्म नहीं होता क्योंकि जिस तरह सेकंड है, अब सेकंड में आपके पास दो पैरामीटर चेंज किए हैं। अब ये भी तो है कि ए में अगर वो तीनों पैरामीटर को चेंज कर दे फिर आप डायरेक्ट किस तरह बता सकती हैं? जी सर, वो सर उस तरह तो नहीं होगा लेकिन अब बी में देखें जो प्रेशर है उसको हाफ कर दिया और जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको भी हाफ कर दिया तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं ना। एक पैरामीटर चेंज हुआ है या सेकंड पैरामीटर चेंज हुआ है
अगर वो तीनों को चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम क्या आता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। जी सर, मेन चीज ये है, इस तरह अगर आप लोग डायरेक्ट बताओगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। एग्जैक्टली हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम एग्जैक्टली बता दें कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम पहले प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे गलती के चांस मिनिमम हो, और उसके बाद हम उसको जिस वक्त हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो उस कंडीशन में तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि बाकी हमारा ये आंसर होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हम पहले प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये न्यूमेरिकल जो है वो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, इसका आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझसे शेयर करना है। जिसमें आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 3.8 लीटर है, प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1 atm है, और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और आप लोगों ने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब का भी आंसर ठीक है, इजा का भी आंसर ठीक है, अलीशा का भी आंसर ठीक है, खदीजा परवीन का भी आंसर ठीक है। इसका मतलब है अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग आसानी से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी अलीशा, सर मैंने कहा हम लोगों ने पहले भी ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ ना एफएससी में भी, तो इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का कंसेप्ट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि आप लोगों के पास इस तरह का भी न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें जस्ट ये लिखा होगा आप लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करनी है और वैल्यू गिवन ना हो, तो उसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू 1 atm होगी और टेम्परेचर की वैल्यू 0 degree Celsius होगी या 273 kelvin होगी। और इसकी एग्जांपल ये है कि आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों के पास डायरेक्ट ही आप लोगों से ये पूछा गया कि प्रेशर की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन सॉरी व्हाट वॉल्यूम विल, आप लोगों ने वॉल्यूम बताना है, टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो गिवन, आप लोगों ने उसी फार्मूले को यूज करना है और उस फार्मूले को यूज करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सर प्रेशर 3 atmosphere आएगा ना, सिर्फ एक मिनट जी आप पूछें। सर एटीएम में प्रेशर 3 आएगा,
एटीएम में प्रेशर, अब ये तो कैलकुलेट करोगे फिर पता चलेगा। आप लोगों ने इसको 14.7 जो वैल्यू आती है उसे डिवाइड करके फिर जो आंसर आएगा वो आपके पास एटीएम में वैल्यू होगी। सर नंबर ऑफ मोल्स 1 ही लेंगे हम लोग। जी नंबर ऑफ मोल अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 है। जी अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। मोहम्मद औरंगजेब का आंसर और रिजा का आंसर डिफरेंट है दोनों का। ये याद रखना इसमें जो वॉल्यूम पूछा गया है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछा गया है। जी अभी तक किसी ने कोई आंसर शेयर नहीं किया है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी सर ये जो हमें डेटा गिवन है इसका अलग वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड का अलग। जिसका डेटा गिवन है उसका वॉल्यूम भी गिवन है। सर P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 से करेंगे। जो उस कंडीशन में आपके पास है टेम्परेचर जो है वो पॉइंट आउट होता है। ठीक है सर समझ आया। और आपके पास जिस वक्त स्टैंडर्ड कंडीशन की उसने कंडीशन अप्लाई कर दी है तो इसका मतलब है कि आपके पास टेम्परेचर जो रिक्वायर है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो 0 degree Celsius है आपने उसको यूज करना है क्योंकि इसमें वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पर पूछा गया है। इसके साथ वॉल्यूम जो पूछा हुआ है वो भी वो कहता है कि आप लोगों ने वो यूज करना है जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है वो भी आप लोगों को पता है, यानी कि 180 होती है। जस्ट आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की अननोन है जो उस कंडीशन में आप लोगों ने अप्लाई करनी है। सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने पहले कैलकुलेट करना है उसके बाद आप लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है। कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में एन की वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होती है 1.219। उसके बाद फिर आप लोगों ने दोबारा से इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ एन की जगह पर आप लोगों ने वैल्यू 1.219 पुट करनी है। प्रेशर की जगह पर आप लोगों ने 180 वैल्यू पुट करनी है। आर की जगह पर जनरल गैस कांस्टेंट वैल्यू पुट करना है। टेम्परेचर की जगह पर आप लोगों ने 0 degree Celsius को केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करना है। वॉल्यूम आप लोगों के पास गिवन है। सर हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 से। आंसर तो सेम आ रहा है। आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा उसके लिए। जी सर उसके मुताबिक भी आप लोग कर सकते हो।
लेकिन उसमें भी आप लोगों ने कंडीशन तो वही स्टैंडर्ड अप्लाई करनी पड़ेगी कि P2 के लिए आप लोगों ने 180 एम यूज़ करना है और T2 के लिए आप लोगों ने वो 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसको यूज़ करना है। उस कंडीशन में अगर आप लोग वो फार्मूला अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास आंसर बिल्कुल सेम ही हासिल होगा। सही वाला प्रोसीजर दोबारा बता दें एक बार। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है PV = nRT। हमारे पास इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आप लोगों ने वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना है, जो ऊपर का सेंटेंस लिखा हुआ है इसके मुताबिक। अब इसके मैं जिस वक्त हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके लिए ये जो वैल्यू गिवन है इनको यूज करके PV = nRT की वैल्यू इक्वेशन जो है उसको अप्लाई करना है। तो इसके जरिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हासिल होगी। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके फर्दर सेकेंड पैरामीटर में जो वैल्यू दी हुई है उनको यूज करना है और उसके जरिए हमने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर की वैल्यू स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू 180 के इक्वल होगी और इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो भी गिवन है। आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, जैसे इसमें यह वैल्यू पुट करनी है और फिर हमने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ये नहीं आ रहे। सर जो फर्स्ट वाला वो है वॉल्यूम, उसका तो लिंक नहीं है ना दूसरे वाले वॉल्यूम के साथ, तो हमने क्यों नंबर ऑफ मोल्स उसके यूज किए हैं? आपने एक चीज ये भी पढ़ी है, नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। इसका मतलब है कि जितने ये जो स्पीशी है जो ऊपर लिखी हुई है जिसकी वैल्यू गिवन है, जितना वॉल्यूम जितने नंबर ऑफ मोल्स की वजह से यूज किया है, क्योंकि उसी नंबर ऑफ मोल्स में, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स में ही हमने प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू को डिफरेंट किया है, बस इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था ग्राफ की मदद से, ग्राफ में दिया हुआ था कि इनिशियल वॉल्यूम ये है और उसके बाद आप लोगों के पास ए में कितना वॉल्यूम आता है, बी में कितना वॉल्यूम आता है, यहाँ पर सिंपल वही वैल्यू जो है वो मैं सेंटेंस की फॉर्म में लिखी हुई है, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम। इसमें कहता है एक चीज़ वो है, जिस वक्त आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर था, प्रेशर की वैल्यू जो है वो 14.1 PSI थी, टेम्परेचर की वैल्यू 27 थी, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये चीज गिवन है तो जो चीज नहीं है गिवन वो हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसने ये कहा है कि अगर हम इन्हीं कंडीशंस को चेंज करके कंडीशन हम करते हैं यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर करें और टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस करें, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कम होता है, ज्यादा होता है, या उसकी वैल्यू क्या आती है वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। इसीलिए हमें उस इक्वेशन के लिए जिस वक्त हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन बनती है PV = nRT। अब हमारे पास हम ये चेक करते हैं कि सेकंड सेंटेंस जिसके मुताबिक हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है उस इक्वेशन की सारी वैल्यू गिवन है या नहीं है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है प्रेशर की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है कि यह वैल्यू तो होगी, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू को भी यानी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशन के सेंटेंस की वजह से टेम्परेचर भी गिवन है, इसका मतलब है ये चीज भी हो गई है। इसके बाद हम आर की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट, इसका मतलब है ये भी गिवन है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो चीजें अननोन है, यानी कि दो चीजें इसमें नहीं दी हुई, एक वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है,
अब इसका मतलब है कि अगर कोई और इक्वेशन यूज करें या कोई और मैथमेटिकल फॉर्म यूज करें जिसके जरिए हमें ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएं, अगर इसमें कहीं पर भी ग्राम में वैल्यू दी होती तो उससे हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे और उसके बाद हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर देते। इसका मतलब है कि पहले जो नंबर ऑफ मोल्स वाला कंसेप्ट है वो तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ग्राम में भी वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब है अगर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती हैं उनको ही यूज करके हमने जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी होती है। अब इसी न्यूमेरिकल में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। अब हम चेक करते हैं कि वाकई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके मुताबिक हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इक्वेशन है हमें सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी वक्त कोई भी इक्वेशन जो है उसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरह हमने 9 चैप्टर में जो इक्वेशन की हैं और अब तक जितनी भी इक्वेशन की हैं वो सारी इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए और उनको यूज करके आप लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इसी वजह से हमने पहली वैल्यूज को यूज करके पहले नंबर ऑफ मोल्स को निकाला है। जिस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में दोबारा से इसी इक्वेशन को अप्लाई करके हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम प्रेशर को चेंज करते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमारे पास जो चेंज कर रहे हैं जस्ट हम टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज नहीं कर रहे। गैस के जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स बाद में, और उसके बाद वो कहता है कि जो वॉल्यूम चेंज होता है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इसीलिए हम इस इक्वेशन में वॉल्यूम को दो नंबर ऑफ मोल्स की जो ये वैल्यू है इसके मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उन नंबर ऑफ मोल्स को सेकंड सेंटेंस जिसमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है सेकंड कंडीशन में उसमें उस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे और फिर वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जिसके मुताबिक हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1.319 हासिल होती है। और अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास यही वॉल्यूम जो है वो 27.3 लीटर हासिल होता है। जी ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके बाद इससे रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है बल्कि इससे पहले ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम के लिए भी जो कंसेप्ट है उसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है अगर किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स एक हो, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू वन हो तो उस कंडीशन में हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है हर गैस के लिए फिक्स हो और जिसकी वैल्यू जो है वो 22.414 लीटर है और इस कंडीशन में आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और 1 मोल में गैस के मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी होती है वो 6.022 × 10⁻²³ होगी। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर होगा
अगर हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं उसका वन मोल यूज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होगा। यानी कि अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस का वन मोल यूज करते हो तो उसका वॉल्यूम भी यही होगा, और अगर आप लोग हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हो और उसका भी आपके पास वन मोल है और आप लोगों के स्टैंडर्ड कंडीशन है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू भी यानी कि इसका वॉल्यूम भी 22.414 लीटर होगा। अगर आप लोग ग्लूकोज लेते हो C6H12O6 तो इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर आप लोग वन यूज करते हो तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका वॉल्यूम भी 22.414 लीटर के इक्वल होगा, और इसमें भी मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो 6.022×10⁻²³ ही होगी। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास किसी न्यूमेरिकल के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन होगी, हमारे पास अगर उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी वन हो तो उसका मतलब है हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी, उसका मतलब है हमारे पास प्रेशर की वैल्यू गिवन होगी, इसका मतलब है कि उसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है कि उस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी जो है वो भी गिवन है। और मोस्टली स्टूडेंट को ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाता है कि जिसमें वैल्यू गिवन ना हो, तो जिस तरह अगर आप लोगों से डायरेक्ट ही कहा जाएगा आप लोगों ने वन मोल मॉलिक्यूल की एसटीपी कंडीशन पर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है या इसके अलावा कोई और चीज पूछी जाती है तो आप लोगों ने ये चीज यानी कि फाइंड आउट करनी है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू जो है वो जुबानी याद होनी चाहिए और आप लोगों को इन चीजों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास एसटीपी कंडीशन है और आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स वन है किसी गैस के तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। ये चीज क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर डिफरेंट गैसेस की बन और कंडीशन जो है वो एसटीपी है और सभी का वन मोल ही है। अब हीलियम गैस जो है उसको फिल किया है तो उसका वॉल्यूम भी 22.4 लीटर, इसके अंदर जीनोन को ऐड किया है तो जीनोन का वन मोल का, और एसटीपी कंडीशन पर इसका वॉल्यूम भी ये है। और जिस वक्त आप लोग मीथेन गैस को फिल करते हो उसका वन मोल यूज करते हो एसटीपी कंडीशन पर तो उसका वॉल्यूम भी आप लोगों पास ये हासिल होता है, और जिस वक्त हम तीनों वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं तो तीनों वॉल्यूम की वैल्यू सेम हासिल होती है। इसका मतलब है अगर आप लोगों के पास कंडीशन सेम है और नंबर ऑफ मोल्स हर स्पीशी का हर गैस का सेम है तो हमारे पास वॉल्यूम भी सेम होगा, चाहे गैस के मालिक जो गैसेज हैं या कंपाउंड जो हैं वो डिफरेंट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका वॉल्यूम यानी कि एसटीपी कंडीशन पर उनका वन मोल हम यूज करते हैं तो उनका वॉल्यूम सभी गैसेस का सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। सर हम साथ मेंशन करेंगे ना कि एसटीपी कंडीशन हो? जी साथ में मेंशन करना मस्ट है। अगर आप लोग एसटीपी कंडीशन और वन मोल शो नहीं करोगे तो उस कंडीशन में ना ही हम ये कह सकते हैं उनका वॉल्यूम सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज हो गया, और वॉल्यूम चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि वो टोटल कंडीशन आपकी फेल हो गई जो आप लोगों ने लिखी है। इसी वजह से आप लोगों ने ये चीजें लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है? अगर आप लोग ये चीजें मेंशन नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप लोग क्लियरली नहीं बता रहे कि आप क्या चीज बताना चाहते हो।
अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो कहता है कि आप लोगों ने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, मोल्स की वैल्यू गिवन है और वेट की वैल्यू गिवन है। और डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर आप लोग डेंसिटी का फार्मूला लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन में हमारे पास मास तो गिवन, अब हमारे पास क्या चीज अननोन है वो है वॉल्यूम। इसका मतलब है कि अब हमने पहले वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जितनी भी अभी तक हमने इक्वेशन स्टडी की उसमें कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको हम यूज करके, और हमारे पास वैल्यू जो है वो ये प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, इनको यूज करके हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई भी इक्वेशन माइंड में आती है तो आप लोग उसको अप्लाई करके, उसको यूज करके वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद उस वॉल्यूम की वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पर पुट करना है, डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। अब आप लोगों ने लास्ट टाइम अभी जो इक्वेशन पढ़ी है उसमें आप लोगों के पास पी बी जो है वो इक्वल होता है एन आर टी के। अब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि वाकई इस इक्वेशन को हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम प्रेशर है इसमें, अब चेक करते हैं कि न्यूमेरिकल के अंदर प्रेशर गिवन है या नहीं। अब यहाँ पर ये प्रेशर की वैल्यू गिवन है, ये टॉर्म है ना? जी ये टॉर्म है। पहले तो हमने ये चेक करना होता है ना कि हमने मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी अप्लाई करनी है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म पर हम जाते हैं कि हमारे जो यूनिट रिक्वायर हैं तो वो वैल्यू उसी यूनिट के मुताबिक हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें पहला वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन है या नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी गिवन है। इसके बाद आर की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, बाकी रह गया टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेक करते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन है। इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग पर हम यह चेक करेंगे कि इनके यूनिट जो हैं वो वही हैं जो हमें चाहिए या उससे डिफरेंट है। अब प्रेशर का यूनिट हमें यहाँ पर चाहिए एटीएम में, लेकिन प्रेशर का यूनिट यहाँ पर जो गिवन है वो टॉर में। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने इस वैल्यू को टॉर से कन्वर्ट करना है एटीएम में। इसी तरह यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू तो फिक्स है और मोल में ही गिवन है। ठीक है, वो एज इट इज इक्वेशन में पुट करनी है। इसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू हमें केल्विन में चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है। इसका मतलब है कि पहले हमने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में और उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है, तो हमारे पास इस इक्वेशन से वॉल्यूम की वैल्यू हासिल होगी और उस वॉल्यूम की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है और इस मास की वैल्यू से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरह आती है। हमारे पास जो है वो मास गिवन है, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर गिवन। अब जिस वक्त हम एटीएम को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी टार को कन्वर्ट करते हैं एटीएम में, तो उस कंडीशन में हम टार की वैल्यू को डिवाइड करते हैं 760 टार से, तो हमारे पास ये एटीएम में कन्वर्ट होती है और एटीएम में इसकी वैल्यू हासिल होती है 1.0197 एटीएम। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक चीज और बची है, टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्जन। इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर के यूनिट को कन्वर्ट जिस वक्त हम करते हैं केल्विन में,
तो इसमें हम ऐड करते हैं 273, तो हमारे पास वैल्यू और टेम्परेचर की हासिल होती है 300 केल्विन। अब हमारे पास इक्वेशन जो है उसके मुताबिक V इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय P। इस इक्वेशन में जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे और मेथड कैलकुलेटर की मदद से आंसर को कैलकुलेट करते हैं, और जिस वक्त इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू हासिल होती है 6.0355 लीटर। अब इसका मतलब है वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई है। अब हमने डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और डेंसिटी का फार्मूला है D इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, मास की वैल्यू ऑलरेडी गिवन, और उस वैल्यू को अगर हम इस वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है 1.65 ग्राम पर लीटर, और यही डेंसिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है सर। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है। चले आज के लिए इतना ही करते हैं। अब हम अटेंडेंस दोबारा से लगा लेते हैं, जो स्टूडेंट जो है वो नहीं आए हैं वो जो है बात वो चेक कर लेते हैं जिनका अटेंडेंस नहीं है। आमना नजीर, आमना नजीर, आमना नजीर आज की क्लास में एब्सेंट है। अज़का प्रेजेंट। ओके अज़का आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। इसके बाद है काशिफ खान, काशिफ खान भी आज की क्लास में एब्सेंट है। मलाइका खान, काशिफ खान आपका कोई फीस वगैरह का इशू है इसीलिए आप ब्लैक लिस्ट में हैं। काशिफ सर वो पोर्टल ब्लॉक है। हाँ, ये अपने एडवाइजर से डिस्कस करके अपना इशू जो है वो रिजॉल्व करवा लो। मरियम लियाकत प्रेजेंट सर। ओके, मरियम लियाकत की अटेंडेंस हो चुकी है। उसके बाद है नूर सरोश प्रेजेंट सर। ओके, नूर सरोश की अटेंडेंस हो चुकी है। सिदरतुल मुंतहा प्रेजेंट सर। ओके, सिदरा आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। इसके बाद है सैयदा फातिमा जबीन, फातिमा जबीन है आज की क्लास में, सैयदा फातिमा जबीन जो है वो एब्सेंट है। नो सर वो नहीं। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। जी गफरा सर, जिस तरह मतलब एक ही स्लाइड होती है, एक ही पीडीएफ, आप चैप्टर 10 की भी एक ही पीडीएफ शेयर कर दें, इस तरह अलग अलग हैं तो फिर ढूंढने में इतना मसला हो जाता है। फिर आपने चैप्टर 9 की स्लाइड्स मुझे दी थी ना, वो एक ही पीडीएफ बनी हुई थी। हाँ, तो इस तरह अगर आप शेयर कर दें तो मैं सबके साथ भी शेयर कर दूंगी सर, वो इतनी सारी हैं गुम हो जाती हैं। ये होता है गफरा, ये इसका साइज ज्यादा होता है। अगर ये है कि अगर आप लोग, क्योंकि हो सकता है अभी यूनिवर्सिटी वैसे ही ओपन हो जाए, तो आप मुझसे डायरेक्ट ही कंप्लीट बुक की जो स्लाइड है वो मुझसे ले लेना। ठीक है सर। सर अगर यूनिवर्सिटी ओपन ना हुई तो फिर कोई और सोर्स तलाश करेंगे। ओके ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।